नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से आप सभी शिक्षार्थियों का NIOS के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षार्थियों, आज हम DLED की इकाई 502 के प्रकरण शिक्षण अधिगम संसाधनों के रूप में पाठ्य पुस्तकें पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुभाष मिश्रा, सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय गैंगटॉक से। आइए डॉक्टर मिश्रा से इस विषय पर चर्चा करें, उनका स्वागत करें। डॉक्टर मिश्रा, आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं हमारे शिक्षार्थियों के लिए जानना चाहता हूँ कि शिक्षण अधिगम संसाधनों के रूप में पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका है, क्या महत्व है और किस प्रकार से इनको प्रभावशाली या प्रभावी या होती हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही समीचीन विषय चुना है। शिक्षण अधिगम संसाधनों के रूप में पाठ्य पुस्तकों की जो भूमिका है वो हमेशा से रही है जी। आज इस पर हम दो बिंदुओं पर विशेष रूप से विचार करने की कोशिश करेंगे, एक अधिगम के लिए पाठ्यपुस्तक जी और दूसरा पाठ्यपुस्तक से परे अधिगम जी। परिवर्तित विचारधाराओं के अनुसार पाठ्यपुस्तक उतनी महत्वपूर्ण नहीं समझी जा रही है जितना पिछले समय में समझी जाती रही है। एक लंबा दौर चला है जिसमें पुस्तकों का काफ़ी विरोध देखने को मिलता है जी। विशेष रूप से अमेरिकी विचारकों ने वहाँ जो प्रयोग किए उसमें लोगों ने यह महसूस किया कि पुस्तकों का जो प्रयोग है, जो प्रयोग की पद्धति है जी, वो ठीक नहीं है। तो पुस्तकों के विरोध की एक लंबी प्रक्रिया शुरू हुई जी। यद्यपि बाद में यह महसूस किया गया कि पुस्तकें हमारे शैक्षिक जीवन का अविभाज्य और अभिन्न अंग हैं जी, उन्हें हम अलग नहीं कर सकते जी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जी, हम विभिन्न विधियों, प्रविधियों, संसाधनों का जो उपयोग करते हैं जी। इन संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है वो है पाठ्यपुस्तक जी। विभिन्न अवधारणाओं को बोधगम्य बनाने, अधिगमकर्ता की समझ को विकसित करने जी, इन सब में शिक्षण अधिगम संसाधन के रूप में पाठ्यपुस्तकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है जी। अब प्रश्न उठता है कि पाठ्यपुस्तकें क्या हैं जी। पाठ्यपुस्तक विषय के विशेषज्ञों एवं 10 शिक्षकों द्वारा, लेखकों द्वारा कक्षा विशेष और विषय विशेष के लिए तैयार की गई निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित विषय वस्तु है जी। अब पाठ्यपुस्तक के अंदर भिन्न भिन्न प्रकरण और प्रकरण के भीतर भिन्न भिन्न अवधारणाएं एवं विचार जी, विशेषज्ञों एवं शिक्षकों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित रहते हैं जी। अब इसमें होता क्या है, जो इसकी खासियत है वो ये है कि इसमें क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं शिक्षण युक्तियों पर आधारित विषय वस्तु का सहज, सरस, सुबोध प्रस्तुतिकरण होता है। इसके साथ साथ हमें इसमें विषय से संबंधित विषयावली जी, विषय से संबंधित शब्दावली जी, विषय से संबंधित उदाहरण, उद्धरण जी, विषय से संबंधित चित्र, मानचित्र, आरेखी निरूपण आदि जी, विषय से संबंधित अभ्यास प्रश्न जी, विषय से संबंधित संदर्भ सूची जी, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं, व्यवस्थित रूप में मिलती हैं, जो एक शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि यह शिक्षण के आयोजन में, उनके नियोजन में, उनके क्रियान्वयन में एक क्रमबद्ध और सतत सहयोग देती रहती हैं। तो इससे डॉक्टर साहब, जो आपने जो बात कही इससे बात समझ में आती है कि हमारी जो पाठ्यपुस्तकें हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है और जो आपने इसकी विशेषताएं बताई हैं, इसका मतलब ये है कि जो पाठ्यपुस्तकें हैं उनको कुछ विशेष विशेषताओं के आधार पर ही लिखा जाए या उनका पब्लिकेशन किया जाए, तभी वो शायद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। तो उन विशेषताओं के साथ ही ये महत्वपूर्ण होंगी जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम बात कर रहे हैं पाठ्य पुस्तकों की जी, यहाँ हम संदर्भ पुस्तकों की बात नहीं कर रहे हैं, विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं पाठ्य पुस्तकों की जी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि पाठ्य पुस्तकें जी पाठ्यक्रम के आधार पर लिखी गई जी, और विशेषज्ञों के माध्यम से जी। विशेषज्ञों का मतलब यह है विषय विशेषज्ञ जी, बाल मनोविज्ञान के विशेषज्ञ जी, भाषा के विशेषज्ञ जी। तो विशेषज्ञता की बहुत ज्यादा जरूरत है जी, क्योंकि हम इस के माध्यम से जी एक विद्यार्थी के समक्ष भी और
छात्र और शिक्षक के समक्ष भी हम जो सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं वह बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने जो सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल किया है, तो मैं इस बात पर अब आता हूँ कि पाठ्यपुस्तकों का उपयोग क्या है जी। तो सबसे खास बात तो यह है, जैसा कि आपने अभी कहा कि ये किसी विशेष रूप से विशेष विषय से संबंधित होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से यह अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की प्रामाणिक पुस्तक के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि यह पाठ्य पुस्तक है जिसको संदर्भ के रूप में विद्यार्थी भी देखेगा, शिक्षक भी देखेगा, और जरूरत पड़ने पर उसका अभिभावक भी देखेगा और समाज के लोग भी देखेंगे तो, और उसका संदर्भ लेंगे। तो यह किसी प्रामाणिक पुस्तक के रूप में ही होनी चाहिए, उसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो अप्रामाणिक रूप से लिखी गई हो, कही गई हो। दूसरा, विशेषज्ञों एवं शिक्षकों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए जी। क्योंकि अगर यह पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं है, निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं है, विशेषज्ञों के द्वारा लिखी नहीं है, और साथ ही साथ कई बार ऐसा आप पाएंगे कि पाठ्य पुस्तकों में विशेषज्ञों की तो भूमिका है जी, पर क्या शिक्षकों की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है? क्योंकि अंततः इसका क्रियान्वयन तो शिक्षक द्वारा ही किया जाना है जी, बिल्कुल। तो उनकी सहभागिता सुनिश्चित होना, भाषाई की विशेषज्ञता, विषयगत विशेषज्ञता, इन सब का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा जी। विशेषज्ञों एवं दक्ष शिक्षकों और लेखकों द्वारा, कई बार आप पाएंगे कि पुस्तक लेखन एक कौशल है जी, अपनी बात को कहना और अपनी बात को लिखना दोनों में थोड़ा अंतर है, और विशेष रूप से जब हम लेखन करते हैं तो बालक की विशेषताओं को, बाल मन की विशेषताओं को, उसकी प्रकृति को, विषय की प्रकृति को और संप्रेषण की प्रकृति को देखते हुए, संप्रेषण के की भाषा को देखते हुए हम तैयार करते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ जो इस पाठ्यपुस्तक का महत्व है वह केवल शिक्षक के लिए नहीं है, केवल छात्र के लिए नहीं है, दोनों के लिए ही उतना महत्वपूर्ण है जी। जिसमें इकाई से संबंधित तथ्यों, सूचनाओं का प्रामाणिक संकलन एक जगह मिल जाता है जी। सीखे हुए ज्ञान को सार रूप में समझने जी। एवं विषय वस्तु को आत्मसात करने में भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जी। कई बार शिक्षक कक्षा में अनुपस्थित होता है, या यह कह लें कि जब विद्यार्थी घर पर होता है जहां शिक्षक उसके समक्ष उपस्थित नहीं है, वहां पर विषय के साथ तादात्म्य स्थापित करने में इन पुस्तकों की भी भूमिका रहती है जी, जी। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि अधिगम स्वगति से और स्वाध्याय, स्वयं के अभ्यास के द्वारा, स्वयं के प्रयास के द्वारा यह करने में भी इन पाठ्य पुस्तकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पाठ्यपुस्तकें विशाल ज्ञान राशि का संग्रह हैं जो ज्ञानार्जन में सहायक हैं जी। आप याद होगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जी, इसने बड़ा ही हमारे पाठ्यपुस्तक लेखन को प्रभावित किया है जी, और इसका प्रभाव हमें एक लंबे समय से दिखाई देता है जी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पाठ्यपुस्तकों से अपेक्षा करती है जी, और कहती है कि बच्चे का समुदाय और उसका स्थानीय वातावरण जी अधिगम प्राप्ति के लिए प्राथमिक संदर्भ होता है जी, जिसमें ज्ञान अपना महत्व अर्जित करता है जी, और जीवन में सार्थकता पाता है। हालांकि पाठ्यपुस्तकों की संकल्पना और शिक्षा शास्त्रीय व्यवहार में हमेशा से ही इस समझ की अवहेलना की गई है जी। विद्यार्थी जब तक अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को पाठ्यपुस्तक में निरूपित संदर्भों के संबंध में स्थित नहीं कर पाता जी, तब तक वह अपने को ज्ञान के साथ और ज्ञान को समाज के साथ जोड़ नहीं पाता जी, अपने अनुभवों को नहीं समझ पाता, जोड़ पाता उस ज्ञान के साथ जो उसे दिया जा रहा है जी, और फिर तब ज्ञान मात्र सूचना तक सीमित रह जाता है, ज्ञान उसके हृदय में प्रवेश कर उसके अनुभवों के संवर्धन में सहायक नहीं हो पाता है। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाएं कि वो बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप कक्षीय अनुभव आयोजित करें ताकि सारे बच्चों को अवसर मिल सके। तो इन बातों का हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने जो कुछ ये मुद्दे उठाए हैं ये बड़े ही सांदर्भिक हैं, बड़े ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल जी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक बात और कहती है जो बड़ी समीचीन होगी आपके साथ साझा करना, कि पाठ्यपुस्तकों की बहुलता हो जी,
पाठ्यपुस्तक और दूसरी सामग्री की बहुलता हो जिसमें स्थानीय ज्ञान और पारंपरिक कौशल शामिल हो सकते हैं। इस दृष्टिकोण से कि पाठचर्या में सार्थक ढंग से बच्चों और उनके विविध सांस्कृतिक संदर्भों को भाषाओं समेत शामिल किया जाए, यह जरूरी है कि पाठ्यपुस्तक लेखन को विकेंद्रित कर दिया जाए। ये जो विकेंद्रण की बात की जा रही है, यह आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अगर हम विकेंद्रित रूप से पाठ्यक्रम नहीं लिखेंगे तो हमारा जो संदर्भ है, जो हमारा सामाजिक संदर्भ है, जो हमारा सांस्कृतिक संदर्भ है, जो हमारा पारिवेशिक संदर्भ है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जाएगा। और विद्यार्थी ज्ञान को समाज के साथ, विद्यार्थी ज्ञान को समाज के सरोकारों के साथ जोड़ नहीं पाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जा रहा है और उसमें कक्षा कक्ष के भीतर व बाहर विद्यार्थियों और अध्यापकों के क्रियाकलापों को व्यवस्थित रूप से समावेश करके उसे समाहित करने की कोशिश भी की जा रही है। ये सब अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए अधिगम क्रियाकलापों का आयोजन करने का अवसर उपलब्ध कराता है। विषय वस्तु से संबंधित अवधारणाओं को पाठ्यपुस्तक में व्यापक रूप से व्यवस्थित किया जाता है, जो कि पाठ को पढ़ाने के लिए रूपरेखा तैयार करने और नए विचार को जन्म देने में भी सहायक होती है। तो जो नए विचार जन्म लेते हैं उसको जन्म देने में पाठ्यपुस्तकें आधार का काम करती हैं, एक रूपरेखा बनाती हैं, जिसका शिक्षक और विद्यार्थी दोनों प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। विशेष रूप से जो कल्पनाशील शिक्षक हैं वो पाठ्यपुस्तक में दी गई अवधारणाओं, उदाहरणों, उद्धरणों, उनसे प्रेरणा लेकर अपने छात्रों के मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता एवं उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखकर कई वैकल्पिक शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों का सृजन कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक में जो प्रस्तुत सामग्री है उसके आधार पर शिक्षक अपने वातावरण व परिवेश में उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और सरल तथा सहज बना सकते हैं और अधिगम क्रियाकलाप का आयोजन कम खर्च व प्रयास में कर सकते हैं। जो पाठ्यपुस्तक में दी हुई विषय वस्तु है उसके अध्ययन के बाद विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए दिया गया क्रियाकलाप शिक्षकों को छात्रों के लिए अन्य नए नए क्रियाकलापों का निर्धारण एवं आयोजन करने के लिए दृष्टि देता है, उन्हें एक समझ देता है कि वो किस तरह से पाठ्यपुस्तक में जो उदाहरण दिए गए हैं, जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जो विषय वस्तु क्रम जिस क्रम में प्रस्तुत की गई है उसको वह विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप समझ करके उस तरह के और दूसरे उदाहरण उद्धरण वह स्वयं निर्मित कर सके। वह एक आधार के रूप में शिक्षक के हाथ में एक बहुत बड़ा अस्त्र रहती है, जिसके माध्यम से वह स्वयं कई बार संकल्पनाओं को पुनः समझने का, दोहराने का और रिवीजन करने का काम कर लेता है उसके माध्यम से। तो पाठ्यपुस्तकें चिंतनपूर्ण सोच तथा विषय पर आधारित क्रियाकलापों के आयोजन का सशक्त माध्यम है। पाठ्यपुस्तकों को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित रहा जाए यह ठीक नहीं है, क्योंकि पाठ्यपुस्तकें निश्चित रूप से एक उनकी एक सीमाएं हैं, उन सीमाओं के आगे वो हमारी मदद नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें अभी पाठ्यपुस्तकों की कि पाठ्यपुस्तकें कैसे विषय वस्तु को विद्यार्थी तक पहुंचाने में मदद करती हैं, तो मैं एक इसका उदाहरण देना चाहूँगा कि एक शिक्षक है जी। कोई विषय है, वो हिंदी का एक मान लीजिए एक पाठ है, वो विद्यार्थी के समक्ष पढ़कर उसने प्रस्तुत कर दिया जी। पहले एक विचार था कि पाठ्यपुस्तक ही डोमिनेट कर रही थी, उसका आधिपत्य था और शिक्षक उसी के इर्द गिर्द चल रहा था जी। लेकिन अब ये महसूस हुआ कि नहीं, शिक्षक उस पाठ्य वस्तु को विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप, विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुरूप, विद्यार्थी की रुचि के अनुरूप उसमें संशोधन कर, उसमें अपना स्वयं का इनपुट, स्वयं का निवेश कर जी, एक नई पाठ्य वस्तु का सृजन कर सकता है जी। साथ ही साथ पाठ्यपुस्तक तो एक आधार है, पाठ्यपुस्तक तो बात को आगे बढ़ाने के लिए एक ढांचा है। एक सृजनशील कल्पनाशील शिक्षक पाठ्यपुस्तक में
अपनी तरफ से बहुत सारी क्रियाओं को शामिल कर उन पाठ्यपुस्तक में दी हुई संकल्पनाओं को, अवधारणाओं को, उनमें दिए गए अभ्यासों को व्यवहारिक रूप में छात्र को बोध कराने में मदद कर सकता है जी। तो जैसे हमने आपसे बात किया कि एक पाठ हिंदी का लिया मान लीजिए, तो शिक्षक केवल उस पाठ को पढ़ा करके, फिर विद्यार्थी के द्वारा उसका अनुसरण करा करके, फिर केवल शब्दावली बता करके, ऐसा ही नहीं है। अब उसी हिंदी विषय के की पाठ्य वस्तु को शिक्षक विविध प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन करके, यहाँ तक कि विद्यार्थियों की का एक समूह बना सकता है। पहले उस पाठ को पढ़ाने के पहले ही विद्यार्थियों से उस पर विचार विमर्श, मुक्त विचार विमर्श करा सकता है जी। फिर उनसे कुछ बिंदुओं को निकलवा सकता है जी। उन बिंदुओं को निकलवा करके पहले बालकों की समझ कितनी है उस विषय में, उसका एक आकलन कर सकता है। श्याम पट पर उसका एक सारांश भी रखवा सकता है, बिंदु रखवा सकता है कि विद्यार्थियों की समझ क्या है उस विषय पर जी। और फिर विद्यार्थियों की समझ से शुरू होकर पाठ्यपुस्तक में दी हुई समझ, पाठ्यपुस्तक में दी हुई विषय वस्तु को जोड़कर फिर वह अपने ज्ञान को, अपने विषय वस्तु को विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जी। इसके दो फायदे होते हैं जी। एक, विषय वस्तु बोझिल नहीं होती, बिल्कुल जी। विद्यार्थी की रुचि से और विद्यार्थी की सहभागिता से बढ़ती है जी। तो विद्यार्थी को यह नहीं महसूस होता कि ज्ञान उसके ऊपर थोपा जा रहा है, ज्ञान उसे ऊपर से परोसा जा रहा है, बल्कि ज्ञान की अर्जन में उसकी अपनी स्वयं की सहभागिता है। ज्ञान का अर्जन उसके अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा हो रहा है। दूसरी बात, विद्यार्थी यह महसूस नहीं करता, वो दाता और ग्राही की स्थिति नहीं बनती कि वह केवल ग्राही है, उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं पता है। विद्यालय जब बालक आता है वह बहुत कुछ लेकर आता है जी। उसके पास उसकी अपनी टूटी फूटी भाषा होती है, उसके पास उसका अपना एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से ग्रहण किया हुआ एक ज्ञान होता है। तो ऐसा नहीं है कि वह शून्य होकर आया हुआ होता है। उस ज्ञान को हमारे जो विषय वस्तु का ज्ञान है, जो हमने हमने पाठ्य पुस्तक में भी उसको विशेषज्ञों के माध्यम से तैयार कर रखा हुआ है, जो हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित है, तो पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और कक्षीय वातावरण जी, तीनों का अगर सहयोग होगा, समभाव होगा और समन्वय होगा, तब जो अधिगम होगा, शिक्षण अधिगम होगा, वह निश्चित रूप से लाभकारी होगा। बिल्कुल जी। तो जो पाठ्यपुस्तकें हैं उनमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जी। अब बात आती है कि क्या पाठ्यपुस्तकें ही केवल अधिगम का साधन हैं जी। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि एक बड़ा लंबा संघर्ष कह लीजिए, या कह लीजिए एक नई सोच के साथ लोगों ने इस बात को कहना शुरू किया कि पाठ्यपुस्तकें कक्षा के लिए बाधा हैं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा होने की वजह से हमारी कक्षाओं का वातावरण बहुत नीरस होता जा रहा है जी। वास्तव में विरोध पाठ्यपुस्तकों का नहीं है। हाँ, यह इस बात की ओर भी मैं जरूर कहूँगा कि काफ़ी समय पहले पाठ्यपुस्तकों में भी काफ़ी दोष था जी। जो हमारे शोध के माध्यम से, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के माध्यम से, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के माध्यम से अनेक प्रयासों से काफ़ी हमने उसमें सुधार किया, निश्चित रूप से उसमें काफ़ी दोष रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, ये जो आप दोष की जब बात कर रहे हैं, तो दोष को हम किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो जो जो पुस्तक है, उस पुस्तक का जो प्रस्तुतिकरण है उसकी बात आप कर रहे हैं? उसमें जो होने वाले तमाम तरह की भूल और गड़बड़ियाँ थी उन पर उनकी बात कर रहे हैं? उसका जो एक प्रस्तुतिकरण में जो एक तरह का वेगनेस थी उसकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं जी। विषय वस्तु का बोझिल, तथ्यों का संग्रह मात्र, पाठ्यपुस्तक तथ्यों का संग्रह मात्र बनती हुई जी। और इतना ही नहीं, भाषाई समस्या भी जी। इतना ही नहीं, जो लेखन में जेंडर बायसनेस, इसके अतिरिक्त विषय का बालक की रुचि अभिवृत्ति से उतना संबंध ना होकर ज्ञान के प्रसारण से, ज्ञान को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने पर जो जोर ज्यादा रहा, वो एक समस्या रही जी। उस पर बात हम कर रहे हैं कि वह एक समस्या रही और उसको काफी हद तक अब हमने सुधार लिया और दिन प्रतिदिन उसमें हम परिवर्तन करते जा रहे हैं।
तो बात यह रही कि पाठ्य पुस्तकों में निश्चित रूप से अब काफ़ी सुधार हुआ है। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों के उनकी प्रकृति उनके बाल मनोविज्ञान के अनुरूप लिखी जाने लगी हैं जी। उसमें तो हमने सुधार किया है, लेकिन एक प्रयोग की भी समस्या रही है जी। पाठ्य पुस्तकों का अतिशय प्रयोग जी। उसने समस्या हमारे समक्ष प्रस्तुत की। तो पाठ्यपुस्तक पर जो अतिशय निर्भरता थी उसने पाठ्यपुस्तक को ही एकमात्र शिक्षण अधिगम स्रोत के रूप में जो स्थापित करने का प्रयास किया वह एक अपने आप में समस्या रही जी। परिणामतः शिक्षकों के एक वर्ग ने तो केवल पाठ्यपुस्तक को ही अक्षरशः पूरा करना जी। अपना कर्तव्य समझ पूरे सत्र भर पाठ्यपुस्तकों को पूरा करने का प्रयास किया और विद्यार्थियों ने उन्हीं को कंठस्थ कर परीक्षा में हूबहू उतारने की कोशिश की। तो आप आएंगे कि पाठ्यपुस्तकें इतना इस हद तक डोमिनेट करने लगी कक्षा को कि विद्यार्थी भी उसी पाठ्यपुस्तक को पढ़ करके और परीक्षा में उसको वापस उगलने की प्रक्रिया में शामिल होने लगा। यद्यपि पाठ्यपुस्तक निस्संदेह एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन यही एकमात्र स्रोत है ये उचित नहीं है। पाठ्यपुस्तक के सभी अनुभवों को पाठ्यपुस्तक के सीमित दायरे में नहीं समेटा जा सकता है। वास्तविक जीवन के अनुभवों एवं परिस्थितियों से अर्जित ज्ञान और भी अधिक प्रासंगिक संदर्भित और अर्थपूर्ण होता है। सतत और प्रयोजनपूर्ण ढंग से वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में विशिष्ट योग्यताओं का अर्जन करने के लिए प्रयासरत रहने से बच्चों में परिवेश के नए ज्ञान की तलाश करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। यदि हम जीवन और व्यवहार दोनों को जोड़कर सीखने की प्रवृत्ति का विकास करें तो विद्यार्थियों में विभिन्न स्रोतों से ज्ञानार्जन करने की प्रवृत्ति और बढ़ती है जी। हम अगर पाठ्यपुस्तक तक ही सीमित रहेंगे तो हमारा दायरा बहुत ही सीमित होगा जी। पाठ्यपुस्तकों के बाहर भी संसार है। बिल्कुल जी। और इतना ही नहीं, पाठ्यपुस्तकों का जब हम प्रयोग करते हैं तो विद्यालय का परिवेश, विद्यार्थी का परिवेश, सामाजिक परिवेश, यह सब भी हमारे ज्ञानार्जन में, ज्ञान के अर्जन में उतने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जो पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं जी। तो पहला जो साधन है वह है पुस्तकालय। पुस्तकालय मैं इसलिए कह रहा हूँ, पुस्तकालय में भी पुस्तकें ही हैं जी, लेकिन अब हम पाठ्यपुस्तकों की बात नहीं कर रहे हैं, पुस्तकालय में पुस्तकों का भंडार है जी। और पुस्तकों में जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है जी। जीवन के हर रूप का, जीवन के हर रंग का, हर वैविध्यपूर्ण विषय पर पुस्तकों में आपको विचार मिल जाएगा। अगर हम पुस्तकों की बात करें, पुस्तकालय की बात करें, तो पुस्तकालय में पुस्तकों का अनूठा भंडार है जहाँ ज्ञान के विविध विषयों पर संदर्भ के लिए बहुत सारी पुस्तकें मिल सकती हैं, ज्ञान की राशि मिल सकती है। हमें पुस्तकों के प्रति विद्यार्थियों में प्रेम जागृत करने की जरूरत है। यहां मैं इस बात की ओर इंगित करना चाहता हूं कि पाठ्यपुस्तक बहुत जरूरी है, लेकिन पाठ्यपुस्तक के साथ साथ पुस्तकों का, जहां पत्रिकाएं होंगी, कहानी की कविताएं, कहानियों की किताबें होंगी, कविताओं की किताबें होंगी और बहुत सारे विषयों पर किताबें होंगी जो विद्यार्थी को उसके ज्ञान को समृद्ध करने में और ज्ञान को वृहद करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, वे भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में दिन प्रतिदिन की समाज से जुड़ी हुई खबरें आती हैं, यहाँ तक कि भाषाई विकास में भी अगर हम समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग करते हैं तो विद्यार्थियों में भाषाई विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक संदर्भों का विकास भी बहुत आसानी से अच्छी तरीके से हो जाता है, जिसके लिए हमें पाठ्यपुस्तकों में कई बार उतनी सामग्री नहीं उपलब्ध हो पाती है जी। आजकल आपको आप देखते हैं कि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति बहुत आकर्षित है जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उपयोग हम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, विभिन्न ऑडियो वीडियो, सीडी, डीवीडी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं हमारे पाठ्यपुस्तकों में दी हुई विषय वस्तु का विद्यार्थियों को बोध कराने में जी। ये जो नई चीज़ें हमारे समक्ष हैं ये
हमारे लिए एक बहुत बड़ा आधार है। इतना ही नहीं, विद्यालय के भीतर और बाहर जो क्रियाकलाप हैं वह भी हमारे पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु को समेकित करने में, उसे और वृहत करने में, उसे और आधार देने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं का भ्रमण, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन, जो भी विद्यार्थी के विषय से जुड़ा हुआ है या कह लीजिए विद्यार्थी के अनुभव की आवश्यकता से जुड़ा हुआ है, या शिक्षक पर निर्भर करता है कि वह किस विषय का, किस क्षेत्र का चयन करना चाहता है, वह विषय की विषय वस्तु पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय बाजार और कार्यस्थल भ्रमण, जैसे बाजार, कृषि फार्म, मुर्गी पालन केंद्र, मत्स्य पालन केंद्र, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, व्यावसायिक स्थान हैं, कार्यस्थल हैं, जिनका भ्रमण करा करके विद्यार्थियों को हम उन विषय वस्तुओं का ज्ञान दे सकते हैं जो पाठ्यपुस्तक में मूर्त रूप में उपलब्ध नहीं है। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लें तो शायद पाठ्यपुस्तकें उतनी बोझिल नहीं होंगी, क्योंकि पाठ्यपुस्तकों में जो ज्ञान है वह निश्चय ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उस ज्ञान को, उस ज्ञान राशि को बाहर से और भी अनुभवों से और समृद्ध करने की जरूरत है, जिसमें विद्यार्थी का अनुभव, समाज का अनुभव, शिक्षा का अनुभव, परिवेश का अनुभव, यह सब कुछ शामिल करने की जरूरत है। बहुत ही सुंदर डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही आसान तरीके से शिक्षण अधिगम संसाधनों के रूप में पाठ्यपुस्तकों पर एक समग्र रूप में चर्चा करी। इस चर्चा में आपने पाठ्यपुस्तकों का प्रभाव क्या है, उनका महत्व क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के संदर्भ में जो एक परिवर्तन आया है, एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, जो पहले हमारी नीरस पाठ्यपुस्तकें हुआ करती थी, अब हमारी जो छात्रों की रुचियों और छात्रों की अभिरुचियों, उनकी, उनको प्रेरित करने के लिए जो किताबें जिस तरह से लिखी जा रही हैं, उस पर आपने चर्चा की। और आपने न सिर्फ किताबों पर चर्चा की बल्कि किताबों में जो हमारी लिमिटेशंस हैं उनको हम कैसे बाहर ले जा करके मूर्त रूप से उसका ज्ञान प्राप्त दिलाएं, इस पर चर्चा की। मैं आशा करता हूं कि शिक्षार्थियों के लिए चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही काम की रही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे।